गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय गाइस, और आज सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो होता है जब कैट के एस्पिरेंट के लिए, वो एफएमएस दिल्ली के लिए होता है। ठीक है, तो मैं फिर से वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। फिर से इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर मैं एक वीडियो लेके आया था लगभग 7 से 8 महीने पहले, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आई थिंक मार्च 2019 में। तो लास्ट मार्च 2019 में बनाया मैंने वीडियो। तो इस साल जब एडमिशन हुए थे तो उसके पहले उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, काफी बहुत ज्यादा आप लोगों ने पसंद किया। तो इसलिए मैं अब नेक्स्ट ईयर के लिए, जब 2020 में आप एडमिशन लेना चाहेंगे लगभग अभी 1 साल है, उसके लिए आपको एफएमएस के लिए पहले से क्या प्रिपरेशन करके रखनी है देखना है। ठीक है, तो आप उससे पहले देखिए, ये लास्ट ईयर का वीडियो था और आप लोगों ने काफी इसको अप्रिशिएट किया था। ठीक, और इसके पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं परसेंटाइल क्लासेस को, उसमें इस साल 2019 कैट के लिए और एमबीए 2020 के लिए हमने काफी वीडियो बना के रखे हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं, देख लेना कैट का। इसमें कैट का सिलेबस दिया हुआ है पूरा डिटेल में, जीडीपीआई की प्रोसेस है, वर्बल कैसे आपको मतलब प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, और राइट टाइम क्या हो कैट प्रिपरेशन का, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, ज्यादा बात ना करते हैं, इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, वाई एफएमएस। तो एफएमएस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है और लोग इसको आईएम अहमदाबाद से ऊपर ही पसंद क्यों करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं, एक्सेप्ट कैट स्कोर। ठीक है, इसका आप 2-3 साल हो चुके हैं, इसका अलग से एग्जाम नहीं होता, कोई सेपरेट कॉलेज एग्जाम नहीं होता इसका। ठीक है, दूसरी बात, फीस इज 20, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका आरओआई होता है, इसकी फीस होती है 20,960। ध्यान रखना, मेरे पिछले वीडियो में काफी बोलते हैं सर इसकी फीस 2 साल की 50,000 है। देखो बॉस, मैं जो इसकी फीस लेके आ रहा हूँ, जो इसकी ट्यूशन फीस है, वो मैं अभी अभी मैंने वेबसाइट से निकाला है और वेबसाइट में 10,480 रुपीज लिखा हुआ था। ठीक है, पर ईयर का, तो 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा 20,960, जो कि आई एम अहमदाबाद में हमें कितना पड़ता है, 20+ लाख के आसपास पड़ता है। ठीक है, इसका एवरेज सैलरी, क्योंकि मैं डिटेल एवरेज सैलरी बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा याद से देखना आप, ठीक है ना, मिस मत करना, एक एक चीज बताऊंगा इसमें मैं। 23.2 लाख है, ठीक, जो कि आई एम अहमदाबाद की भी 22 लाख के आसपास ही होती है। ठीक, बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और सिलेक्शन की गारंटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे अगर जीडीपी कॉल आपको आ जाता है तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इतना हाई परसेंटाइल कट ऑफ होता है कि बेसिकली इसमें जिसको जीडीपीआई कॉल आया उसको आया अहमदाबाद से भी आया है, बैंगलोर से भी आया है, कलकत्ता से भी आया है। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो आपका चांसेस काफी होता है। मैंने देखा है कि जो बैंगलोर या साउथ में रहता है, अगर उसको आईआईएम बैंगलोर मिलता है तो वो ऑफकोर्स दिल्ली नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली का उसको बहुत ज्यादा दूरी है। काफी फैक्टर्स होते हैं जब कॉलेज चूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट आपको इसके अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एफएमएस फॉर्म क्या होती है, हमेशा कैट के 1 हफ्ते पहले होती है, ध्यान रखना, 1 वीक बिफोर कैट, ये चीज ध्यान रखना। आपको ऐसा नहीं कैट एग्जाम देने के बाद आपको एफएमएस कॉल कर लेगा, कैट एग्जाम देने के बाद आपको एफएमएस का अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बॉस एफएमएस को बोलना पड़ेगा आप मेरा कैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करके मुझे चांस दीजिए एडमिशन के लिए। ठीक है, और दूसरा कौन जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा कौन है कि दिल्ली का पॉल्यूशन। ठीक, तो अगर आप एफएमएस दिल्ली में जाते हैं तो आपको दिल्ली का पॉल्यूशन झेलना पड़ेगा, बाकी सब तो अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, कि मैंने आपको इतनी बातें बड़ी बड़ी कही हैं, तो एफएमएस प्लेसमेंट 2019 का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस प्लेसमेंट वो एफएमएस दिल्ली बस कंक्लूड है, 100% प्लेसमेंट हुआ है, कितने 198 स्टूडेंट्स का पूरा 100% प्लेसमेंट है 2019 में। ठीक, एवरेज सिटी जो है 23.2 लाख पर एनम मैंने आपको बताया था। ठीक, मीडियन 21.2 लाख होता है, एवरेज सिटी टॉप 100 बच्चों का जो अगर एवरेज सिटी से निकालेंगे तो 27 लाख पर एनम है। अब सर सिटी से क्या होता है इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी अपन एफएमएस की बात कर लेते हैं। ठीक, पर ओवरऑल पैकेज होता है आपके, आपको डायरेक्टली 90 पैसा इतना ही मिलेगा। ठीक है, परेशान मत हो। वुमेन्स के लिए एवरेज पैकेज जो है वो 25 लाख, हाइएस्ट 48 लाख पर एनम। ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग मोर देन 20 लाख इज 68%। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो कंसल्टिंग में 18% बच्चे गए हैं, फाइनेंसिंग में 15% अप्रॉक्सिमेटली, जनरल वेज में 13%, आईटी ई कॉमर्स ऑपरेशन में 27% अप्रॉक्सिमेटली स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग में 25%। तो यहाँ पे हर फील्ड से आपको देखेंगे, आप देखोगे कि हर फील्ड में प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट हम आते हैं इसमें। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बता दूं कि हम लोगों का ऑनलाइन काफी बच्चों ने लास्ट टाइम सोलह सर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस चालू नहीं करे, तो हम लोग लाइव क्लासेस चालू कर रहे हैं, इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कैट 2019 एमबी के लिए। मैंने फटाफट आप पॉज करके डेट ले सकते हो, 1 जून से बैच स्टार्ट होगा, 3 जनवरी तक चलेगा। इसमें 125 टोटल लेक्चर्स होंगे, जीडीपीआई की रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स बाद में अवेलेबल रहेंगे लाइव सेशन के बाद, 15 फुल लेंथ मॉक्स हैं, अदर एमबी एग्जाम्स के मॉक्स हैं, आपका पूरा डिटेल असाइनमेंट रहेगा। 20,999 फीस है अगर आप 31 मई के पहले, हमेशा अर्ली बर्ड ऑफर रखते हैं, तो आपका 12,999 फीस रहेगी। ठीक है, और अगर आप क्लासरूम भोपाल में आ सकते हैं, भोपाल में हमारा सेंटर है, 30,000 फीस है। ये पूरी डिटेल दी हुई है टेलीग्राम पे, डाउट सॉल्विंग सारी चीजें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक, और आपको मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा डिटेनिंग का, और कैसे रजिस्टर करना ये एक बार देख लेना। अगर आप चाहते हो तो आप रजिस्टर करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो सारी चीजों को। ठीक, फुल नेम, सिटी, परसेंटेज, 10th 12th कॉलेज,
इलेक्टोरल तो कॉलेज के सब्जेक्ट्स ड्रॉप आउट फ्रेशर हो, वाई कैट ये लिख के भेजना जरूरी है, वाई कैट एमबीए इन योर वर्ड्स एंड टू स्टडी कैट, ये सारी एग्जाम आपको सारी चीजें आपको सॉल्व आंसर लिख के भेजना जरूरी है व्हाट्सएप पे, तब आपका ये हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपना, और सबसे पहले इसका प्रोसेस जानते हैं। ठीक है, एफएमएस 2019 का क्राइटेरिया किस टाइप से था। ठीक है, सबसे पहले देखो आपका कैट का जो आपका 100 मार्क्स में से, अभी मैं आपको बताऊं कट ऑफ कितना, आउट ऑफ 100 आपको फाइनल जीडीपीआई के लिए फाइनल सिलेक्शन होता है, आउट ऑफ 100 कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे तो क्वांट का जो आपका सेक्शन लिया जाता है, क्वांट का 30%, डीआईएलआर का 30%, वर्बल का 40%, इस टाइप से इसका स्कोर लेके स्कोर किस में कन्वर्ट करते हैं, 60 मार्क्स में चलेगा, 60 मार्क्स में कन्वर्ट करने का। क्लास 10th के आपके 5 मार्क्स में से मतलब 5% वेटेज होता है, 12th का 5% वेटेज होता है, जीडी का 10% वेटेज होता है, एक्सटेम्पो का 5% और पीआई का 15% वेटेज होता है। ठीक, तो जो ओवरऑल निकलता है आउट ऑफ 100 उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब जीडी क्या, ग्रुप डिस्कशन, पीआई का पर्सनल इंटरव्यू, एक्सटेम्पो का मतलब आपको वहां पे एक टॉपिक देगा उस टाइम को रेंडमली बोलना पड़ता है, काफी डिटेलिंग है, आप ये पर ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफएमएस सीट्स का ब्रेकअप कितना होता है। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 101 सीट्स हैं, ओबीसी 54, एससी 30, एसटी 15, पीडब्ल्यूडी 10 और सीडब्ल्यू का 10। ठीक है, आगे हम आते हैं, अगर देखें तो कट ऑफ की बात करते हैं, मैंने आपको वही आउट ऑफ 100 बताया, आउट ऑफ 100 कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसका 53.337। ठीक है, और 53.337 तो जीडीपीआई कंपोजिट स्कोर अराइव आफ्टर अवॉर्डिंग वेटेज टू कैट सिलेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड। ठीक, तो ये वाला सिलेक्शन कैसा, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक, आप यहाँ पे जाते हैं, आपको कैट स्कोर रहेगा 10, 12। ठीक है, जीडी एक्सटेम्पो पी है। ठीक, अब ये जीडी का है और ये किसका है, पीआई का है। देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझना, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेस होती है। सबसे पहले वो आपको जीडीपीआई मतलब फाइनल सिलेक्शन आपका किससे होगा, कैट स्कोर देखेंगे 12, 10 का, जीडी का, एक्सटेम्पो पीआई का, पर उसके पहले आपको कैट का स्कोर देख के, कैट का स्कोर जज करने के बाद आपको बुलाया जाता है इन सारी प्रोसेस को कंसीडर करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले उस कैट के स्कोर के लिए आपको कितना चाहिए कट ऑफ, फाइनली आपको कैट में के अगर आपको आउट ऑफ 100 निकाले जाए। ठीक, क्योंकि आपको देखो एमबीए एस्पिरेंट हो तो थोड़ा डेटा एनालिसिस करना आपको आता होगा, तो ये डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करना, तो कैट का सबसे पहले स्कोर देखा गया, तो कैट में मार्क्स कितने होने चाहिए आपके, वही 30, 30, 40, 30 एलआरडीआई से, 30 क्वांट से, 40 मार्क्स, 40% कहां से ले रहे थे आउट ऑफ 100 में से, इंग्लिश से, वर्बल एबिलिटी से, उसमें से उन्होंने मार्क्स निकाले, तो 53.337 किसके लिए आया है आपका, शॉर्टलिस्ट करने कैट के स्कोर से। तो कैट का स्कोर आउट ऑफ 100 करने के बाद जिसमें 30 एलआरडीआई रहेगा, 30% कॉन्ट रहेगा एंड 40% वर्बल एबिलिटी रहेगा, तो आपका स्कोर कितना है आपको जीडी पे इन सब की प्रोसेस की बुलाया जाए, 53.37, जो कि लास्ट ईयर से कम हुआ है, लास्ट 2 ईयर से ये 58, 59 के आसपास जा रहा था, आप देख लेना मेरा पास्ट ईयर का वीडियो भी इस बार इतना। ठीक, ओबीसी के लिए 39.817, एससी एसटी के लिए 32.086, एसटी के लिए इतना, ऐसे पूरे के पूरे, क्योंकि पूरे पूरे डिटेल मैंने दी हुई है कितने कितने बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। ठीक है, और अच्छा कॉलेज है, अगर आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लो, मैं इस पे काफी और वीडियो एक्सटेम्पो पे अलग से जीडीपीआई का वीडियो हमने बनाया भी हुआ है, एक्सटेम्पो पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको इसमें सिलेक्शन के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको क्योंकि अभी तो और भी डिटेल इसकी आएगी, एग्जैक्टली कट ऑफ कितना होगा, कितना क्या चीजें रही, फाइनल सेक्शन में कितने मार्क्स रहे, तब मैं इसके साथ वीडियो बनाता रहूंगा, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो नीचे मैंने लिंक दी हुई है, देखिए टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है, हम ये टेलीग्राम चैनल हमारा अलग से है कैट के लिए, जिसमें हम डेली क्वेश्चन अपलोड करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आप वो क्वेश्चन वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ऐप होता है उसको डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये चीज है कि आपको अगर अभी टाइम है प्रिपरेशन करने का, अभी आपके हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चों के मार्च अप्रैल में कॉलेज के एग्जाम चलते हैं, उसके बाद मार्च अप्रैल मई तक, जून से लग जाना अच्छे से। ठीक है, अगर पहले से लग चुके तो अच्छी बात है, और काफी टफ होता है आपको यहाँ तक पहुंचना, और 98, 99 परसेंटाइल, 90+ परसेंटाइल कैट के अंदर लाना, ये 53.337 मार्क्स आपको दिखना ये आसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और कोई भी आपको नेक्स्ट वीडियो की जरूरत पड़े आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, बाय बाय, थैंक यू।